आजारी पडा नशे ना भाऊ, असं कसं काय आजारी जर पडसू मी तर मग सगळ्या वांदा जातील मनावाला. सर्दीच्या गोळ्या घेऊन Vamos a la playa. गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो सभी? बढ़िया, मस्त, मजे में. तारीख देख लेता मैं, आजकल कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं. आज तारीख है 2 दिसंबर. दिसंबर आ गया यार. कल इधर एक और कांड हुआ था. मैं यहाँ पर जो रुका हूँ ना, यहाँ के मालिक आए, मुझे एक ही दिन स्टे करना था, फिर भी वो ऐसे एकदम चिल्ला के बोल रहे थे कि अरे तू जा रहे करना, जा रहे लौकर जा रहे. बेकार लगा मुझे. कल मैं डायरेक्ट मेरे हमारे दोस्त थे शिवाजी नगर में, साहिल भाई, उनके पास रात में जाने वाला था, पर हमारे मनीष भाई ने थोड़ा बहुत कन्विंस किया तो इसलिए मैं रात भर यहाँ पर रुका. अभी मैं जा रहा शिवाजी नगर साहिल भाई के पास. पाटिल साहब से गाड़ी भी लेनी है और बस थोड़ा सा पैकिंग वगैरह करते. आप इधर ही रहिएगा, इधर जाइएगा मत, इधर ही रहो. बैग का ना एक प्रॉब्लम हो चुका है यार, ये इसकी चेन का काम करना पड़ेगा ऐसा लग रहा मुझे. काम मतलब करना ही पड़ेगा, चेन लगती नहीं इतनी अच्छे से. चेन बिठाने के लिए आए भैया जी. यहाँ पर मनीष भाई का होटल है लेफ्ट साइड में और यहाँ पर अपन चेन बिठाने का काम चल रहा है. हमें बोल रहे चाय पीने के लिए. क्या बोल रहे भाई? चाय पीने के लिए. संदीप भाई हमें जबरदस्ती चाय पिलाने के लिए लेके आए यहाँ पर. और क्या बोलते उमेश दादा? क्या बोलते? ये हाफ कच्चे में तुम वीडियो बना रहे हो या तुम कच्चे में? ये कच्चा है क्या? क्या रे हाफ कच्चा नहीं है? क्या बोलते उस्ताद? देख नहीं रहे तुम यहाँ पर? गरीब आदमी का कैमरा है यार, तू ऐसे क्या कर रहे हो? चलते अभी निकालू क्या गाड़ी? हाँ ओके, गाड़ी का भी किस्सा है भाई, इसलिए मैं ये ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकता, नहीं तो मनीष भाई दे रहे थे. आओ क्या उमेश भाई, संदीप को, संदीप को बाय बाय कर दे, बहुत जल्द चलेगा, बैठना. हो चुके हैं. अरे बाप रे, पाटिल साहब तो इधर पहले से ही है. मुझे लगा पाटिल साहब आ रहे होंगे. अरे इसका स्टैंड. नमस्कार पाटिल साहब, कभी आले तुम्ही? पुढे पुढे का किती वाजेला किती वाजे आलेले तुम्ही? लवकर आलेले दिसता है, 1 तास पूर्वी. अवघे मनीष दादा, बहुत मजा आया. 2-3 दिन का सफर रहा हमारा अच्छा खासा. पाटिल साहब को मैंने ऑलरेडी लेट कर दिया है भैया जी, क्या ही बोलूं मैं. कोई बात नहीं, निकल रहे. यस, बैग के लिए हमें एक और बैग लेनी पड़ेगी, बिश्वी. चलो का है काम, गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए अभी. जी भाई, प्लान में कुछ चेंजेस हो चुके हैं. अभी मैं जा रहा सीधा खराड़ी और हमारे एक सर का कॉल आया तो उसके लिए कुछ ये करना है, एक वीडियो बनानी है उनको बेसिकली कंपनी प्रोफाइल के लिए. तो उसके लिए मुझे अर्जेंट खराड़ी में जा रहा. मैं आगे के सारे प्लान कैंसिल करके. ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो देखो यार, फुल गोल्डन है. गोल्डन मतलब ये होगा कलर होगा. कल्याणी नगर में हो, ये पूरा मॉडर्न एरिया है पुणे का, कोरेगांव पार्क से नज़दीक है. पहुंच चुके अपने ऑफिस, एक बार अच्छे से डिस्कशन करके मिलता मैं आपसे. देखो ना ये सारे कपड़े वगैरह लेके आ रहा मैं, अर्जेंट था इसलिए. तो भाई साहब सर की गाड़ी लेके जा रहा मैं, क्योंकि वो गाड़ी ना यार एक बार मतलब बंद पड़ने के बाद किक स्टार्ट में टाइम पास हो जाता. इस गाड़ी का तो कोई सीन नहीं होना चाहिए. ओके, स्टार्ट तो हो गई, पावर भी है और वापस भी आना है भाई मुझे खराड़ी से. खराड़ी में वापस आना है तो उस हिसाब से. यस,
ईंधन है क्या इसके अंदर? ईंधन ईंधन थोड़ा सा दिखता नहीं, दिखता नहीं है, बहुत है क्या? ओके चलो जा रहे, ओके सर चलो, थैंक यू सर, चलो अभी सीधा जा रहा मैं स्वारगेट, प्रणव भाऊ कब से वेट कर रहे हैं मेरा। अरे काफी एक प्रॉब्लम है भाई साहब, ये गाड़ी सिग्नल पर बंद पड़ रही पर स्टार्ट भी हो रही। अभी हड़पसर से मैं जाऊंगा स्वारगेट, यहाँ पर हमेशा पुलिस खड़े रहते हैं, मुझे पकड़ा है यहाँ पर एक दो बार, ये देखो देख रहे क्या, पुलिस का नाम निकाला पुलिस सामने। हाँ जी भाई एक सीन बता था आपको भाई, सुबह से है ना मेरा नाक ऐसे डायरेक्ट भर आप, इसलिए ना मुझे अभी तुरंत मेडिकल में जाके दवाई लेनी पड़ेगी, मेरी फट भी रही थोड़ी थोड़ी, ये बताना था। खाना वगैरह हो गया, अभी जा रहे प्रणव भाऊ के पास, एक मेडिकल, सर्दी की गोली और फिर आगे के कार्यक्रम। मेडिकल किधर है रे? ओके गाड़ी चेंज के लिए भाऊ अरे आप ले नहीं ना रे बोती, प्रणव भाई ने दे दिया हमें धोखा प्रणव भाई का चालेल, भेटू आता शेवटची भेट आहे वाटतं ही, आता शेवटची म्हणजे आपण मी नाही भेटणार ना तेव्हा, चालेल प्रणव काय प्रेम भाई मिलेंगे, अरे कुठे जाणार आहे भाऊ भाई, मग काय अशा गप्पा करतो, चिंचवड वगैरे ला जाईल आता इकडे, येतो भाऊ लेट झालेलं आहे, ऍड करणार आहे का सांग, नाही हा हा चालेल चालेल येतो भाऊ। हाजी भाई शिवाजी नगर, अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है गोली लेने के बाद, बट फिर भी 100% बेटर नहीं फील कर रहा, कर लूंगा मतलब इतना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ना भाई हमेशा पुलिस खड़े रहते थे भाई, ये जगह याद है, ये मेरे राइट साइड में देख सकते हैं आप मेट्रो का कंस्ट्रक्शन। और भाई साहब क्या बताओ यार, मूड जा रहा यार मेरा यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, लग रहा मैं कल निकल रहा भाई गाँव के लिए, मुझे मेरे हालात थोड़े से बेकार लग रहे, कल निकल जाऊंगा। भाई यार पता नहीं पर यार नींद आ रही है मुझे, मैं शौक हूँ खुद कहीं से डुल के आ रही यार, मुझे कंटाला आ रहा है ड्राइविंग करने में। हाँ जी भाई पहुँच गए, इधर लगा था हमें, बच्चे यहाँ पर स्केटिंग खेल रहे, और मेरी हालत बहुत बेकार हो गई है, पता नहीं मुझे आप कहीं से समझ पाओगे या नहीं, पर एक बार दिखाऊंगा ना आपको मेरा चेहरा देखकर ही मतलब समझ आ जाएगा, दिखाओगे ना एक बार, समझूं क्या? 4 बजे बोलो तो 5 बजे जाए तो वेळेचं बंधन नाही पाळत मी, पण तुम्हाला चांगलं माहिती मी कुठं कुठं गेलो होतो, कशासाठी गेलो होतो, आणि ट्रॅफिक वगैरे सगळं माहिती ना तुम्हाला। जी हमारे कुछ आज की दिनचर्या आहे ना, थोडा सा तुटा फुटा ब्लॉग बना होगा पर समजने वाले समझ जाएंगे, डेली कर रहा है इसलिए प्रॉब्लम है। बाय द वे ये वर्क प्लेस है अगले 4 दिनों के लिए, तो सुबह से लेके शाम तक मुझे यहाँ पर काम करने है, थोड़ा सा बेटर फील कर रहा, एक और टैबलेट लेके क्लियर हो जाऊंगा, निकल रहा अभी खराड़ी के लिए, बाय बाय। ये तो धन्यवाद कमेंट करा।
फाइनली घूमते घुमाते इधर उधर जाके हम आ चुके पाटिल साहब के रोल की गाड़ी पर। साहेब कैसे हाथ? हरिओम। मेरी कुछ गलतियां बताना चाहता हो। बाय द वे शरीर में पावर नहीं रही है पर फिर भी बोलूँगा मैं। हाँ मनीष भाई के पास जा रहे हैं अभी। ये मेरी कि मैं एक काम पूरा नहीं करता उसके बीच में दूसरा काम घुसा देता हूँ। अभी मैं चिंचवड से आ रहा था, मुझे खराड़ी डायरेक्ट जाना चाहिए। मैं चला गया पाटिल साहब का रोल खाने के लिए। जब मैं रोल खाने के लिए गया तो वहाँ पर जाते जाते मतलब पूरी और एनर्जी डाउन हो गई। ऑलरेडी मैं चिंचवड से आ रहा था 50 किलोमीटर कवर करके, समझ लो आप। पहुंच गए अपने शॉप पर, मनीष भाई के होटल पर। अभी डायरेक्ट सीधा जाके सोने का कार्यक्रम करना है। क्या बोलते छोटू? हाँ कोलगेट लेके आए क्या? साइड प्लीज कर दो मुझे एडजस्टमेंट कुछ तो। बपरे हरिओम। नहीं सो जाऊंगा मैं। अरे यार मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं थी कि वहां तक जाओ ऐसा हो मैं गाड़ी चला के। अगर इस टाइम पर मैं अगर वहां पर जा रहा था नहीं वो नहीं वो बात नहीं है। इधर तुम्हें बिछाना वगैरह डाल के सो तो सकता ना मैं, उधर वही सब थोड़ी है। तो बाय बाय। गोष्ट सांगायची राहिलीच, सर्दीच्या गोळ्या घेतलेल्या आहे, त्या गोळ्या घेतो डायरेक्ट स्लीप होतो। कारण की ना आजारी पडा नशे ना भाऊ, असं कस काय आजारी जर पडसू मी तर मग सगळ्या वांदा होईल जातील मनावाला। सर्दीच्या गोळ्या घेऊन स्लीप। कैमरा बंद कर पहले तू।